श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि माँ के कितने भी बेटे हों, अगर किसी बेटे के पैर में भी चोट आ जाए तो माँ के दिल पे क्या बीतती है वो माँ जानती है। किस प्रकार से वो माँ अपने बेटे की अर्थी के पास में बैठ गई और कैसे विलाप करने लगी वो माँ, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या बताया। कहने लगी, हे लाल मेरे गोपाल कफन में मोर छुपावे मत भी रे जरूरत तेरी देश को छोड़ के जावे मत ना, हो बेटा छोड़ के जावे मत ना, लाल मेरे गो काल कफन में छुपा वे मत बेटा अपनी माँ को अकेला छोड़ करके चला जाए तो उस माँ के दिल पे क्या बीतती है बताए श्रोताओ, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है, और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता प्रेमी श्रोताओ, झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। आज ऐसा ही दर्द उस माँ के दिल में था, जिस माँ का बेटा अपनी माँ की आंखों के सामने मृत पड़ा हुआ है। किस प्रकार से पहली बार के अंदर क्या कहने लगी, करके जान किया तुझको पढ़ा रे लिखाया, हो मैंने तुझको पढ़ा रे लिखाया, सेना में भर्ती हो गया तू देश भक्त कहलाया, थक के बेटा लेट गया
तू किस गलती की सजा दे रहा है। तू आज ऐसा नहीं कर सकता, अपनी माँ को छोड़ करके नहीं जा सकता। एक बार तो अपनी आँखों को खोल, अपनी माता से तो बोल। से वो माँ अपने बेटे से कहने लगी, अरे कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता, कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता, गंभीर है किस्सा सुनाया नहीं जाता। अरे देख लो तेरे इस सहरे को जी भर के एक बार बेटा, क्योंकि बार बार ये कफन उठाया नहीं जाता, बार बार ये कफन उठाया नहीं जाता। दाग तो वो दाग है शताओ, जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। क्या कहने लगी सुनेगा, इस तारंग में इस कारण
की ये आस तिरंगे में सारी जनता कह रे देश की दौलत खास तिरंगे पढ़ाऊं अपने बे